तो हे गाइस, स्वागत है आपका बीएफ वर्स में। तो क्या अवेंजर्स सीक्रेट वर्स के बाद हमें अवेंजर्स की कोई भी मूवी देखने को मिलेगी? तो आज मैं इसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अवेंजर्स सीक्रेट वर्स के बाद हमें मार्वल में काफी सारे बड़े चेंजेस देखने को मिलेगी, जैसे कि काफी सारे सुपर हीरोज या तो मर चुके होंगे या फिर रिटायर हो चुके होंगे, और काफी सारे नए सुपर हीरोज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए दो थियोरीज है। बात करें पहली थियोरी की, तो हो सकता है कि सीक्रेट वर्स के हमें अवेंजर्स की आगे कोई भी मूवी देखने को ना मिले। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू में काफी सारे न्यू सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, और इन्हीं सारे सुपर हीरोज को मार्वल धीरे धीरे करके अलग अलग टीम में डिवाइड करता जाएगा। जैसे कि मिडनाइट सन्स एक बहुत ही पावरफुल टीम है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, मून नाइट, फैंटास्टिक फोर और वुल्वरिन जैसे पावरफुल सुपर हीरोज है। और ऐसी कई सारी टीम्स है जो हमें सीक्रेट वॉर्स के बाद देखने को मिलेगी। और वहीं हम थियोरी नंबर 2 पे बात करें, तो ये वाली थियोरी सच होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद जितने भी नए सुपर हीरोज है उनकी कहानी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, और इन सारे नए सुपर हीरोज की एक नई अवेंजर्स की टीम हमें देखने को मिलेगी, और फिर एक बड़े विलन के साथ ये सारे अवेंजर्स हमें लड़ते हुए दिखेंगे। पर यहाँ पर हमें ये वाली अवेंजर्स की मूवी फेस 9 या फिर 10 में देखने को मिल सकती है, यानी कि 2036 के आसपास। इतना टाइम इसलिए क्योंकि अगर हमें अवेंजर्स की मूवी हर साल देखने को मिली तो बाकी मूवीज की तरह हमें अवेंजर्स की मूवी भी बोरिंग लगने लगेगी, और अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स की तरह एक्साइटेड नहीं रहेंगे। इसी रीजन की वजह से मार्वल ने फेज 3 के बाद सीधा फेज 6 में अवेंजर्स की मूवी को रखा। तो आई होप कि अब आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा, और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन या फिर थ्योरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।